एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी इंडिया। सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो ये खुशखबरी है स्पेसिफिकली बी फार्मा वालों के लिए। जैसा कि आप सभी के एग्जाम्स आ रहे हैं, सो वी आर गोइंग टू कवर योर कंप्लीट सिलेबस ऑफ फिफ्थ सेमेस्टर। ओके, सो देखिए, इसमें जो मैं आपको कवर कराऊंगी वो कवर कराऊंगी मैं आपको बेसिकली फार्माकोलॉजी का सिलेबस, ठीक है? एंड दैट इज टू बी इन अ सिंगल शॉट ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। क्लियर? आपके सिलेबस के अंदर टोटल है 5 यूनिट्स। सो ईच एंड इंडिविजुअल यूनिट को हम कवर करेंगे। सो देखिए, उसको अपने टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको एक बता दूं कि अगर आप जल्दी से आप क्या कीजिए, आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड सेकेंड, इफ यू आर यू वॉन्ट टू फॉलो अस ऑन द टेलीग्राम, यू वॉन्ट टू ज्वाइन अस ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, देन यू कैन ज्वाइन बाय द लिंक प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। क्लियर? सो चलिए देख लेते हैं कि हमारे यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स होंगे जो हम आगे कवर करते हैं। देखिए, यूनिट वन है आपकी फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। क्लियर? सो देखिए कौन कौन से इसके अंदर ड्रग टॉपिक्स आते हैं। इंट्रोडक्शन टू हीमोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, देन ड्रग्स यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, देन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, देन एंटी एंजाइनल ड्रग्स, एंटी अरेथमिक ड्रग्स एंड एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स। क्लियर? ये है आपका कंप्लीट सिलेबस ऑफ यूनिट वन। सो हम हर किसी इंडिविजुअल टॉपिक को क्या करेंगे, कंप्लीट आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो देख लेंगे एक बार टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में है आपका फर्स्ट जो हम करेंगे दैट इज हीमोडायनेमिक्स, आफ्टर दैट इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, देन ईसीजी, देन ड्रग्स यूज टू ट्रीट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड क्लासिफिकेशन। सिमिलरली एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, देयर क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एंड सिमिलरली द रिमेनिंग टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स बेसिकली, देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लियर, एंड द बेसिक फिजियोलॉजी ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज और डिसऑर्डर। क्लियर? सो नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर मच टाइम लेट अस स्टार्ट आवर टूडेज लेक्चर। सो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो कि फर्स्ट था हीमोडायनेमिक्स। तो हीमोडायनेमिक्स स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हमारे हार्ट के बारे में, ठीक है? सो देखिए, ये है हमारा हार्ट, जैसा कि आप सबने देखा ही होगा। तो कहाँ पे ये बेसिकली लोकेटेड है, कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन टू द थोरेसिक कैविटी के अंदर ही लोकेटेड है, एंड बिटवीन द टू लंग्स, ठीक है? और किधर साइड टिल्टेड होता है, टुवर्ड्स द लेफ्ट लंग के साइड थोड़ा शिफ्ट होता है, टिल्टेड होता है, ठीक है? साइज क्या होता है हार्ट का, साइज होता है हार्ट का ऑफ ए क्लेंस्ड फिस्ट, एंड इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन लेयर व्हिच इज नोन एज पेरिकार्डियम। डबल मेम्ब्रेन लेयर को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम, और इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है, फ्लूइड को वो करती है ये, कौन सा फ्लूइड, दैट इज पेरिकार्डियल फ्लूइड इज फिल्ड बिटवीन दीज टू लेयर्स। क्लियर? अब देखिए हमारा हार्ट जो है वो कौन से चैम्बर्स में डिवाइडेड है, 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से चैम्बर्स, द अपर 2 चैम्बर्स आर एट्रियम एंड लोअर 2 चैम्बर्स आर वेंट्रिकल्स, ठीक है? दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज राइट एट्रियम। ऑल राइट, अब देखिए इनकी ही क्या होती है, ओपनिंग होती है, राइट एट्रियम इज ओपन इन टू द राइट वेंट्रिकल, सिमिलरली लेफ्ट एट्रियम इज ओपन इन टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? अब देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड होता है दैट इज पंप इन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो कहाँ पे आता है, इन टू द राइट एट्रियम, देन लेफ्ट सॉरी राइट वेंट्रिकल। और राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है कहाँ पे, इम्प्योर ब्लड जाता है लंग के पास थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है? जितने भी आर्टरीज होती हैं वो कैरी करती हैं आपका प्योर ब्लड, लेकिन ये पल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी है जो कैरी करती है इम्प्योर ब्लड, कहाँ से, फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स। क्लियर? एंड सिमिलरली पल्मोनरी वेन जो है वो क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू अदर बॉडी पार्ट्स, ठीक है? डन। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर, इसके अंदर क्या होता है, कुछ टिश्यूज होते हैं, जो हार्ट होता है हमारा कौन सी मसल से मिलकर बना होता है, मायोकार्डियल मसल्स, ठीक है? अलग टाइप की मसल्स होती हैं ये, इनके अंदर कौन सी कैपेसिटी होती है कि देखिए सभी जो हमारे ऑलमोस्ट ऑर्गेन्स हैं बॉडी के, वो उनका जो फंक्शन है वो कौन रेगुलेट करता है, तो ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन हार्ट एक ऐसा ऑर्गेन है जो कि क्या होता है, खुद से अपना ऑटो रेगुलेशन करता है, इट डज नॉट रिक्वायर ब्रेन टू कंट्रोल इट्स फंक्शंस, ठीक है? सो इसके अंदर ऐसी क्या चीज प्रेजेंट होती है कि ये खुद से अपना फंक्शन जनरेट करता है, खुद से अपने फंक्शन शो करता है? सो इसके अंदर कुछ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ऊपर जो आप देखोगे राइट एट्रियम के अपर लेफ्ट कॉर्नर में क्या प्रेजेंट होता है, एक नोड प्रेजेंट होता है विच इज नोन एज एसए नोड, एंड द लोअर राइट कॉर्नर में क्या प्रेजेंट होता है, एवी नोड, ठीक है? आफ्टर दैट देयर इज अ, ये जो फाइबर्स हैं एसए नोड से फाइबर्स निकल के कहाँ जाएंगे, एवी नोड में,
एंड ए वी नोड से कहाँ जाएंगे फाइबर्स टूअर्ड्स अनदर टिश्यू दैट इज नोन एज बंडल ऑफ हिज। कहाँ पे? बंडल ऑफ हिज। एंड बंडल ऑफ हिज से ये जो फाइबर्स हैं कहाँ जाते हैं? इन टू द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है, और इनसे क्या होगा, ये इम्पल्स कंडक्ट होगी एंड फर्दर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कॉज होगा। सो दीज फाइबर आर नोन एज पुरकिंजे फाइबर्स, पुरकिंजे फाइबर्स। क्लियर? सो ये था बेसिक अबाउट हार्ट। और भी आपको सबको ऐसे जैसे कि पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम फर्दर डिटेल में जाने से पहले, अपने ड्रग्स डिस्कस करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि हार्ट के हमारे बेसिक क्या क्या, हमारा ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से होती है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, दैट इज हीमोडायनेमिक्स। ओके, हीमोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? हीमोडायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे कि भाई जो हमारा ब्लड फ्लो होता है वो कैसे होता है एंड कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ब्लड फ्लो को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, हीमो मतलब नाम से क्या है, हीम यानी कि ब्लड से रिलेटेड है, एंड डायनेमिक्स मीन्स बेसिकली इट्स फ्लो। सो इट इज अ फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ ब्लड फ्लो इन द बॉडी। कौन कौन से फंक्शंस होते हैं ब्लड के? ब्लड के फंक्शन हो क्या होते हैं कि भाई वो मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता है हमारे कंप्लीट बॉडी में। ठीक है, एंड वेस्ट का भी क्या करता है, वेस्ट को एक्सक्रीट करता है बॉडी से। ठीक है, देन होम्योस्टेसिस यानी कि मेंटेनेंस ऑफ पीएच रेगुलेट करता है, पीएच को रेगुलेट करता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, वाटर कंटेंट को रेगुलेट करता है। तो ये सभी क्या है, हमारे फंक्शंस हैं जो कि ब्लड परफॉर्म करता है। ठीक है, सो ये आप देख रहे हो एक वेसल दे रखी है, ब्लड वेसल, जिसके अंदर क्या है, ब्लड हमारा फ्लो कर रहा है। क्लियर? सो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो ब्लड फ्लो को अफेक्ट करते हैं? विस्कोसिटी, ब्लड प्रेशर, डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल एंड कार्डिक आउटपुट। क्लियर? अब विस्कोसिटी आप समझ सकते हैं, जिस चीज की जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी, यानी जितना कोई विस्कस होगा उतना ही फ्लो कम होगा, जितना कम विस्कस होगा उतना फ्लो ज्यादा होगा। सो जो ब्लड की विस्कोसिटी होती है वो क्या होती है, वाटर से 1.5 टाइम ज्यादा विस्कस होता है। क्लियर? नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर देखिए, जितना ज्यादा प्रेशर लगेगा फ्लो पे उतना ही ज्यादा ब्लड स्पीड से ट्रेवल करेगा। ठीक है, डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल, डायमीटर ये देखिए, अगर इसका हम क्रॉस सेक्शन यहाँ पे देखें, ये है आपका वेसल का डायमीटर। सो ये जितना ज्यादा बड़ा डायमीटर होगा उतना ही ब्लड स्लो मूव करेगा, एंड जितना कम होगा, नैरो होगा ये डायमीटर, तो उतना ही स्पीड से फ्लो करेगा। ठीक है, तो डायमीटर पे भी ब्लड फ्लो डिपेंड करता है। देन कार्डिक आउटपुट, कार्डिक आउटपुट हम देख लेते हैं, कार्डिक आउटपुट क्या है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसलिए इसको हम अलग से डिस्कस करते हैं। सो कार्डिक आउटपुट नाम से पता चल रहा है, कार्डिक मीन्स हार्ट, आउटपुट मीन्स जो कुछ मतलब उसका जो रिजल्ट एक तरह से। तो हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड पंप करना। ठीक है, सो ब्लड पंप करना होता है, तो कार्डिक आउटपुट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम द हार्ट दैट इज स्पेसिफिकली फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इन टू द आर्टा ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कितना ब्लड पंप कर रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम बोलते हैं कार्डिक आउटपुट। क्लियर? अब इसकी एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है इसको कैलकुलेट करने का, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम इन टू हार्ट रेट। हार्ट रेट क्या होता है, नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, तो कितनी बीट्स होती है एक मिनट में, 72 बीट्स, तो ये तो आ गया। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है, स्ट्रोक वॉल्यूम होती है कि एक बीट में हमारा वेंट्रिकल जो है वो कितना ब्लड पंप कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो कितना करता है एक बीट में, इट इज अराउंड 70 ml। सो 70 × 72 इट्स कम्स अराउंड 5040 ml, और इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 5 लीटर पर मिनट, यानी कि एक मिनट के अंदर 5 लीटर ब्लड हमारा जो हार्ट है वो पंप करता है, दिस इज इट्स कार्डिक आउटपुट। डन। सो नेक्स्ट चलते हैं, हमारे हीमोडायनेमिक्स कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट हम कवर करेंगे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट का मतलब है कि हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो कैसे ट्रेवल करते हैं। ओके, सो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट में हम देखेंगे दो तरह के फाइबर्स होते हैं हार्ट में, बेसिकली नॉन ऑटोमेटिक एंड ऑटोमेटिक फाइबर्स। नॉन ऑटोमेटिक मतलब कि जो खुद से कुछ नहीं कर सकते, है ना, खुद से एक्साइट नहीं हो सकते, तो दे आर द ऑर्डिनरी वर्किंग मायोकार्डियल फाइबर्स दैट कैन नॉट जनरेट इम्पल्स ऑफ देयर ओन, खुद से इम्पल्स जनरेट नहीं कर सकते। ऑटोनॉमिक फाइबर्स, जस्ट अ सेकेंड, एंड ऑटोनॉमिक फाइबर्स कौन से होते हैं, ऐसे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं हार्ट के अंदर जिनको कोई स्टिमुलस की जरूरत नहीं होती, वो खुद से अपना क्या करते हैं, इम्पल्स जनरेट कर सकते हैं। सो इसके अंदर कौन से आएंगे, एस ए नोड, ए वी नोड, बंडल ऑफ हिज एंड पर्किंजे फाइबर्स, ये सभी क्या होते हैं हमारे ऑटोनॉमिक फाइबर्स। क्लियर? सो इंपल्स कैसे जनरेट होती है हार्ट के अंदर, ये हम देख लेते हैं। इंपल्स जनरेट होती है, देखिए इनिशियली क्या है, इनिशियली आपकी मेम्ब्रेन, सपोज ये क्या है, हार्ट के सेल्स हैं ये। ठीक है, सो इनिशियली क्या है, ये रेस्टिंग स्टेज में, रेस्टिंग स्टेज का मतलब क्या है कि सेल की एक आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, सो दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, आउटर मेम्ब्रेन का और इनर मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दैट इज अराउंड -90 mV।
यानी कि जो इनर मेम्ब्रेन है उस अंदर की साइड क्या है, लेस पॉजिटिव चार्ज, और बाहर जो मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन है उसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। क्लियर? सो रेस्टिंग स्टेज में क्या है, इट इज पोलराइज्ड एंड इट इज -90 मिलीवोल्ट। अब क्या होता है, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल मतलब कि जैसे ही स्टिमुलस आता है तो क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। सोडियम चैनल क्या हो जाएंगे, ओपन। सोडियम चैनल्स ओपन होने की वजह से क्या होता है कि देखो कुछ पॉजिटिव चार्ज सेल के अंदर आ जाएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज, तो लेस नेगेटिव हो जाएगा। लेस नेगेटिव होने के बाद सपोज मान लीजिए 60 या 50 मिलीवोल्ट हो गया माइनस। ये वो वैल्यू है, एक ऐसी वैल्यू आने के बाद क्या होगा, एक अचानक से ना सोडियम चैनल्स बहुत ज्यादा ओपन हो जाएंगे, यानी कि उस वैल्यू को क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या होता है, वो वैल्यू जिस पे पोटेंशियल की, वो वैल्यू जिस पे क्या हो जाए, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स क्या हो जाए, ओपन हो जाए। ठीक है, अभी आराम आराम से हो रहे थे लेकिन एक एक पोटेंशियल अटेंड करने के बाद ऐसा होगा कि बहुत एब्रप्टली वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सोडियम फिर अंदर आएगा, तो ज्यादा सोडियम अंदर आ जाएगा तो ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा इस जो नेगेटिव चार्ज था, तो जल्दी जल्दी से क्या होगा, ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक टाइम होगा कि ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, सपोज 30 मिलीवोल्ट। सो ये जो फेज है इट इज नोन एज डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। और ये जो इनिशियल स्टेज थी ये क्या थी, रेस्टिंग स्टेज। रेस्टिंग स्टेज यानी कि फेज 4 जो था रेस्टिंग था, एंड 0 फेज क्या है आपका, डीपोलराइजेशन, यानी कि जब सोडियम चैनल्स क्या हो रहे हैं, इन हो रहे हैं। क्लियर? अब क्या होगा, जैसे ही ये अपना +30 मिलीवोल्ट पहुंच जाएगा, उसके बाद क्या होगा, सोडियम चैनल जो है वोल्टेज गेटेड वो क्या हो जाएंगे, इनएक्टिवेट हो जाएंगे, इनएक्टिवेट हो जाएंगे। और क्या ओपन हो जाएगा, ओपन हो जाएंगे हमारे पोटेशियम चैनल्स। क्या ओपन हो जाएंगे, पोटेशियम। अब पोटेशियम कहाँ जाएगा, सेल के अंदर से बाहर जाएगा। सो पोटेशियम बाहर जाएगा तो भाई इतना सारा नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जो सेल के अंदर आया है वो कुछ बाहर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कम पॉजिटिव हो जाएगा। पहले जो 30 मिलीवोल्ट था वो थोड़ा कम हो जाएगा, यानी कि इसलिए क्या दे रखा है यहाँ पे, स्लाइटली ड्रॉप दे रखा है, इट इज नोन एज फेज 1। क्यों, बिकॉज ओपनिंग ऑफ द पोटेशियम चैनल्स। अब नेक्स्ट आप देखोगे फेज 2, जिसके अंदर क्या है, जो ना तो एकदम नीचे जा रहा है ना ऊपर ही जा रहा है, मतलब एक तरह से इक्विलिब्रियम स्टेट, एक स्टेडी स्टेट है बेसिकली आप देखो तो ओवरऑल। सो इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर पोटेशियम चैनल, पोटेशियम तो बाहर जा ही रहा था, कैल्शियम और एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम क्या जाएगा, कैल्शियम सेल के बाहर जाना स्टार्ट कर देगा। कैल्शियम क्या करेगा, सॉरी, पोटेशियम बाहर जा रहा था, कैल्शियम सेल के अंदर आना स्टार्ट कर देगा। अब हो क्या रहा है, कुछ पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है, कुछ अंदर आ रहा है, तो एक तरह से क्या है, बैलेंस मेंटेन होगा। इसी की वजह से क्या हो रहा है, ना तो ये हाइपर पोलराइज ना डीपोलराइज हो रहा है, एक स्टेडी स्टेट है बेसिकली। क्लियर? सो एक टाइम के बाद क्या होगा, ये कैल्शियम चैनल्स क्या हो जाएंगे, इनएक्टिवेट, इनएक्टिवेट हो जाएंगे, और सिर्फ पोटेशियम चैनल्स ही एक्टिवेट होंगे, यानी कि सिर्फ पोटेशियम ही सेल से क्या जा रहा है, बाहर जाया जा रहा है। ठीक है, पोटेशियम ही बाहर जा रहा है, तो यानी कि अंदर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो रहा है, धीरे धीरे फिर से नेगेटिव बढ़ता जा रहा है। सो ये है फेज 3। फेज 3 को क्या बोलोगे, रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन यानी कि फिर से क्या हो रहा है, इनिशियल स्टेज अटेन कर रहा है वो, माइनस नेगेटिव की तरह जा रहा है, तो रीपोलराइजेशन। एंड देन एक टाइम ऐसा आएगा जब -90 आने के बाद क्या होगा, वो अगेन रेस्टिंग स्टेज में पहुंच जाएगा, यानी कि फेज 4। सो ये है आपका कंप्लीट प्रोसेस, जैसा जिस तरह से आपकी इम्पल्स कंडक्ट होती है हार्ट मसल्स के अंदर। सो ये क्या था, ये जब स्टार्टिंग हुई थी, जब सोडियम चैनल्स ओपन होने हुए थे, दिस इज नोन एज इनिशिएशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। इसी को इनिशिएशन बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल का। ठीक है, सो ये है आपका कंप्लीट एक्शन पोटेंशियल। कंप्लीट एक्शन पोटेंशियल क्या है कि भाई ये रेस्टिंग स्टेज थी, रेस्टिंग स्टेज में क्या आया, कोई स्टिमुलस आया, स्टिमुलस आया तो क्या हुआ, डीपोलराइजेशन हुआ, डीपोलराइजेशन हुआ, और डीपोलराइजेशन के बाद क्या हुआ, रीपोलराइजेशन। सो यही जो कंप्लीट हमारा रेस्टिंग से और रीपोलराइजेशन हो रहा है, इसी को हमने क्या बोला है, एक्शन पोटेंशियल। दिस इज नोन एज एक्शन पोटेंशियल, डन। और जो टाइम है, ये आप जो देख रहे हो ना टाइम है जो, दिस इज नोन एज ERP, मतलब ये टाइम जिसके दौरान क्या है कि दूसरे सेल में, मतलब देखो एक सेल में नर्व कंडक्ट हुई, फिर वो दूसरे सेल में जाएगी, फिर तीसरे में जाएगी। सो वो टाइम जब क्या है, एक्शन पोटेंशियल क्या है, जब तक वो मतलब बेसिकली लैग टाइम बिटवीन द टू सेल्स, एक सेल में एक्शन पोटेंशियल और दूसरे में, सो उसके बीच में, दूसरे में आने से पहले जो टाइम लैग है उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। क्लियर? दिस इज नोन एज इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये जो टाइम है, दिस इज नोन एज इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो ये है हमारा कंप्लीट इंपल्स जनरेशन। इसी को जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पे, इसको थ्योरेटिकल वे में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर? सेम चीज आपको यहाँ पे बताई गई है, जो मैंने अभी आपको डायग्राम के थ्रू बताई, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, हाउ द इम्पल्स इज कंडक्टेड एंड जनरेटेड इन योर कार्डिक मसल्स।
सो नेक्स्ट चलते हैं हम ईसीजी, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी वजह से क्या करते हैं, हम एनालाइज करते हैं हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, कि उसके अंदर सिग्नल्स कैसे चल रहे हैं, नॉर्मल है नहीं है, क्या है बेसिकली। सो वो उसके लिए यूजफुल होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। सो इस मशीन के थ्रू क्या होता है, जब हम इस मशीन से टेस्ट करते हैं तो एक बाहर एक ग्राफिकल पेपर निकल के आता है रिजल्ट के तौर पे। सो उस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्लियर? सो यहाँ पे आप देख रहे हो ग्राफ में इस तरह की लाइंस आपको देखने को मिलेंगी, सिर्फ इतनी ही नहीं, ये क्या होते हैं कंटिन्यू। अब यहाँ पे ये तो एक पैटर्न है, अब ये पैटर्न सेम रिपीट होता है। ठीक है, इस तरह से क्या देखोगे आप, इस पैटर्न को रिपीट होते हुए देखोगे। सो ये ऐसे रिपीट होता रहता है पूरे उसमें। अब देखिए यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर ये है, तो इसमें तीन बेसिकली आपको पीक्स दिखाई दे रही है। पहली पीक क्या है, पी, दिस इज क्यू, आर, एस एंड दिस इज टी। सो बेसिकली पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव, तीन तरह के आपको पीक्स दिखाई दे रही हैं इसके अंदर, जिनका डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है, तो वो हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ईसीजी की जो रिकॉर्डिंग होती है, डन बाय पोजिशनिंग फोर इलेक्ट्रोड्स ऑन द लिम्ब्स एंड सिक्स इलेक्ट्रोड्स ऑन द डिफरेंट पोजिशंस अराउंड द हार्ट, जिससे कि उसकी अच्छे से आप इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एनालाइज कर सको। क्लियर? सो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, किस वजह से ईसीजी जरूरत पड़ती है, ये हेल्प करता है हमें डिटरमाइनिंग कोई भी कॉम्प्लिकेशन अगर हो हार्ट की, जैसे कि एबनॉर्मेलिटी इन द कंडक्टिंग पाथवे में एबनॉर्मेलिटी हो, कोई एनलार्जमेंट हो गई हो हार्ट में, देर इज एनी डैमेज टू एनी रीजन ऑफ द हार्ट, या फिर एनी टाइप ऑफ पेन अकरिंग इन द चेस्ट, ये सभी को एनालाइज करने के लिए हेल्पफुल होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको, जो मैंने अभी बताया सेम वही चीज आपको यहाँ पे गिवन है। डिफरेंट डिफरेंट वेव्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं, पी वेव रिप्रेजेंट करती है डीपोलराइजेशन, यानी कि डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, दोनों एट्रिया। ठीक है, डीपोलराइजेशन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। क्यू आर एस रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स। और टी रिप्रेजेंट करता है रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन का मतलब क्या है, रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। क्लियर? सो अगर ये देखो पीक है जो ज्यादा नैरो हो गई, या इसका डिस्टेंस जो है वो बढ़ गया या कम हो गया, कुछ भी चीज इस एक आइडियल वैल्यू से अगर चेंज आती है, तो उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि कुछ ना कुछ कंडक्शन पाथवे में क्या है, कुछ ना कुछ इश्यू है, द हार्ट इज नॉट नॉर्मल, एबनॉर्मली फंक्शन कर रहा है। तो इसके थ्रू हम ये एनालाइज कर सकते हैं। क्लियर? ये वही चीज है जो मैंने आपको बताया कि पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, क्यू आर एस क्या रिप्रेजेंट करता है, टी क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक, दैट इज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है, इसको हम जनरली हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। हार्ट फेलियर से आप क्या समझते हो, कि हमारा हार्ट क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। मतलब हार्ट का काम क्या था, ब्लड पंप करना, लेकिन अब क्या कर रहा है, वो ब्लड पंप ही नहीं कर पा रहा। इसका मतलब क्या है कि जो बॉडी की डिमांड है वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा। तो बॉडी के पास क्या होगी, ऑक्सीजन, ब्लड नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी, क्योंकि ब्लड ही तो कैरी करता है ऑक्सीजन। सो इनएबिलिटी ऑफ द हार्ट टू मेंटेन एन एडिक्वेट कार्डिक आउटपुट और मीट द मेटाबॉलिक डिमांड्स ऑफ द बॉडी, उसको हम बोलते हैं हार्ट फेलियर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, प्री लोड, आफ्टर लोड एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी। प्री लोड का मतलब क्या होता है, जब हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं वो फिल होते हैं। फिल होने का मतलब है कि जब ब्लड उनके अंदर फिल हो रहा है हमारे वेंट्रिकल के अंदर, तो उसकी वजह से जो वॉल्स पे प्रेशर पड़ रहा है, दैट इज नोन एज प्री लोड। आफ्टर लोड यानी कि जब वेंट्रिकल से ब्लड पुश हो रहा है, ठीक है, आर्टरीज के अंदर, तो जो प्रेशर लग रहा है उसकी वॉल्स पे, दैट इज नोन एज आफ्टर लोड। एंड देन कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी यानी कि कॉन्ट्रैक्शन जो है हार्ट के, अगर कम हो गई तो कार्डिक आउटपुट कम होगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गई तो अच्छे से हार्ट काम करेगा, यानी कि कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगा। सो यही हमारा गोल होगा जो हम ड्रग्स पढ़ेंगे इसके अंदर, कि या तो वो प्रीलोड को क्या करेंगे कम करें, या आफ्टर लोड को कम करें, या फिर कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा दें। क्लियर? सो यही हमारा गोल होगा इसके अंदर, थेरेपी के अंदर। हम देख लेते हैं कौन कौन से ड्रग्स हैं जो कि कार्डिक हार्ट फेलियर में यूजफुल होंगे, जो प्रीलोड को डिक्रीज करेंगे। उनमें क्या क्या आते हैं, डायूरेटिक्स, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट एंड वेनो डायलेटर्स। जो आफ्टर लोड को डिक्रीज करेंगे, एट्रियोडायलेटर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। देन ड्रग्स दैट इंक्रीज बोथ प्री एंड आफ्टर लोड, एस इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स एंड डायरेक्ट वैसोडायलेटर्स। देन ड्रग्स दैट इंक्रीज द कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, उसके अंदर कौन से आएंगे, डिजिटेलिस, बीटाएट्रिनर्जिक एगोनिस्ट एंड फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर। सो ये सभी ड्रग्स हम कवर करेंगे किसमें, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर। सो देखिए, ड्रग्स दैट इंक्रीज द कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी में कौन से आएंगे, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स।
ठीक है, कौन कौन से ड्रग्स आते हैं इसके अंदर, डिजिटॉक्सिन है, डिगॉक्सिन आते हैं, ये जो प्लांट है कहाँ से ऑब्टेंड होता है, इट इज ऑब्टेंड फ्रॉम द फॉक्स ग्लोव प्लांट, और जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, डिजिटालिस लैनेटा एंड डिजिटालिस परप्यूरिया से ये बेसिकली ऑब्टेन होते हैं। थेरेपिटिक इंडेक्स कैसा होता है, नैरो थेरेपिटिक इंडेक्स, यानी कि डोज क्या होती है काफी स्पेसिफिक देनी होती है, उससे कम या ज्यादा हो गई तो चांसेस हैं कि ये टॉक्सिसिटी कॉज करे या फिर अपने थेरेपिटिक इफेक्ट ही ना शो करे। साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलता है इसका, इट कॉजेज हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम, कैसे होती है वो भी हम देख लेते हैं आगे। यहाँ पे देखिए कुछ इंट्रैक्शंस दे रखी हैं कि कौन कौन से ड्रग्स के साथ ये कार्डियोग्लाइकोसाइड इंट्रैक्शन शो करते हैं। फर्स्ट इज डायरेटिक्स, डायरेटिक्स के साथ अगर हमने कार्डियोग्लाइकोसाइड दे दिए तो क्या होगा, ये जो हाइपोकैलेमिया कॉज हो रहा है बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, हाइपोकैलेमिया होगा क्योंकि डायरेटिक्स भी कॉज करते हैं पोटेशियम लॉस और कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट इज अगर कैल्शियम के साथ दिया तो क्या है, उनका फंक्शंस बढ़ जाएगा एंड दिस कैन लीड टू टॉक्सिसिटी। थर्ड इज अगर क्यूनिडीन के साथ दिया तो अगेन टॉक्सिसिटी हो सकती है क्योंकि क्यूनिडीन क्या करता है, उसको बाइंड नहीं होने देता प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ में, जिसकी वजह से फ्री जो ड्रग है वो ज्यादा हो जाएगा एंड दिस कैन लीड टू अगेन टॉक्सिसिटी ऑफ कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स। सो ये थी हमारी इन्फेक्शन, यूजेस क्या क्या होते हैं इनके, दे आर यूज इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड कार्डिक अरिदमियाज। आप देखिए नेक्स्ट है आपका मैकेनिज्म ऑफ डिगॉक्सिन या फिर कार्डिक ग्लाइकोसाइड का मैकेनिज्म क्या होता है। तो हम एक सेल देख लेते हैं, कार्डिक मसल सेल, दिस इज कार्डिक मसल सेल, ठीक है। अब इस सेल के ऊपर क्या है, यहाँ पे आपको एक ये चैनल दे रखा है, कौन सा चैनल है ये, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, क्लियर। सो सोडियम कहाँ जाता है, बाहर की साइड, पोटेशियम अंदर की साइड, अब होता क्या है इसकी, ये क्या करते हैं, ये जो डिगॉक्सिन है ये क्या कर देता है, इस चैनल को ब्लॉक, डिगॉक्सिन या कार्डिक ग्लाइकोसाइड है वो ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, सेल के अंदर जो सोडियम है वो बाहर नहीं जा पाएगा, उसका इनबिल्ट जो अमाउंट है सोडियम का वो बढ़ जाएगा। अब इसका अमाउंट बढ़ने की वजह से क्या होता है, एक अनदर चैनल होता है जो ओपन हो जाता है, दैट इज सोडियम कैल्शियम चैनल, सोडियम कैल्शियम चैनल, ठीक है। अब सोडियम जो अंदर बढ़ रहा है उसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाएगा, कैल्शियम ओपन होने की वजह से क्या होगा, कैल्शियम भी सेल के अंदर और बढ़ जाएगा, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता रहेगा। अब हमें पता है कैल्शियम क्या कॉज कराता है, कैल्शियम मायोसिन जो मसल फाइबर होता है उसके साथ बाइंड करके क्या कॉज कराता है, कॉन्ट्रैक्शन। सो ये जो कैल्शियम होगा वो सार्कोप्लाज्म के अंदर, सार्कोप्लाज्म के अंदर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा एंड विल बाइंड टू, कैल्शियम विल बाइंड टू मायोसिन, और मायोसिन के साथ बाइंड करने की वजह से क्या कॉज करेगा, इट विल कॉज कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और हमें क्या करना था, ये तो करना था कॉन्ट्रैक्शन बढ़ानी थी, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएंगे तो कार्डिक आउटपुट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कार्डिक ग्लाइकोसाइट्स, क्लियर। सो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सेम चीज है जो मैंने आपको बताई, रिवर्सिबली इनहिबिट करता है, ठीक है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो होता क्या, ये क्या करेंगे, दे विल इंप्रूव द लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन, जो इजेक्ट कर रहा है फोर्स जो लेफ्ट वेंट्रिकल, उसको बढ़ा देंगे, इंप्रूव कर देंगे। देन डायरेटिक्स, डायरेटिक्स क्या होते हैं, डायरेटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। डायरेटिक्स आप स्पेसिफिकली देख सकते हो हमारे डायरेटिक्स वाले टॉपिक के अंदर, कंप्लीट डायरेटिक्स एक्सप्लेन किए हुए हैं। यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बात करेंगे जो कि यूज किए जाते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। सो दो तरह के डायरेटिक्स होते हैं, लूप लूप डायरेटिक्स, थायजाइड, पोटेशियम स्पेरिंग, ये सभी होते हैं, जिसके अंदर जो लूप डायरेटिक्स की बात करें तो इसमें फ्यूरासीमाइड, टोरासीमाइड एंड ब्यूमेटेनाइड आता है। और इनका जो फंक्शन होता है वो कैसे करते हैं, देखिए हम नेफ्रॉन देख लेते हैं, ठीक है, किडनी, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रखा है। अब क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये रीजन जो है, दिस इज डीसीटी, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। और ये जो हेयर शेप पिन दे रखी है, हेयर पिन शेप, ये क्या है, लूप ऑफ हेनले, क्लियर। सो ये जो लूप ऑफ हेनले है ये क्या है, डिसेंडिंग लूप, ये क्या है, असेंडिंग लिम्ब। इसी के अंदर जो असेंडिंग लिम्ब है वहां पे क्या गिवन है, वहां पे है हमारा पंप, कौन सा, सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो इसको हम थोड़ा जूम करके यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये है आपका ल्यूमन इस साइड, ठीक है, जहां पे कि हमारा यूरिन बन रहा है, यूरिन एक्सक्रीट हो रहा है, ल्यूमन, नेफ्रॉन का ल्यूमन है ये, ल्यूमन ऑफ नेफ्रॉन। और इधर साइड हम देख लेते हैं, यहाँ पे ब्लड वेसल है, पीछे यहाँ पे ब्लड होगा ना, इधर
तो यहाँ पे ब्लड वेसल है। तो ये जो पंप होता है आपका सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड, ये क्या को ट्रांसपोर्टर, तो होगा क्या सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। तो नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है कि यूरिन के अंदर जो ये सोडियम पोटेशियम क्लोराइड होते हैं वो फिर से रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं ब्लड के अंदर। लेकिन क्या होगा, जो ये फ्यूरोसीमाइड है, ये लूप डायरेटिक्स हैं, क्या करेंगे इसको इनहिबिट कर देंगे इस चैनल को, जिसकी वजह से क्या होगा ये एब्जॉर्ब नहीं होंगे। इंस्टेड इनका जो यूरिन के अंदर अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, ये एक्सक्रीट हो जाएंगे, ठीक है। और सोडियम जहां जाएगा, जहां सोडियम वहीं क्या होगा वाटर, तो सोडियम एक्सक्रीट होगा, सोडियम साथ किसको एक्सक्रीट, किसको अपने साथ एक्सक्रीट करेगा वाटर को। सो बॉडी से क्या होगा वाटर का लॉस हो जाएगा, क्लियर। जो ब्लड वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी बॉडी वॉल्यूम, क्लियर। नेक्स्ट है थायराइड डायरेटिक। थायराइड में हाइड्रोक्लोर थायराइड इसी तरह से फंक्शन है, लेकिन दूसरे चैनल पे फंक्शन करते हैं। कौन से चैनल पे, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये डीसीटी में लोकेटेड है, इस साइड में। ये भी को ट्रांसपोर्टर है, इसी तरह से क्या करते हैं ये इसको एब्जॉर्प्शन बंद कर देते हैं सोडियम और क्लोराइड का, तो ये क्या करेंगे एक्सक्रीट हो जाएंगे सोडियम और क्लोराइड, और अपने साथ साथ क्या सोडियम क्या एब्जॉर्ब करेगा वाटर को भी लाइक एक्सक्रीट कर देगा। सो इस तरह से क्या कौन फंक्शन करता है, डायुरेटिक्स, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा वेजोडायलेटर्स। वेजोडायलेटर जैसा नाम से ही पता चल रहा है ना कि ऐसे ड्रग जो आपकी ब्लड वेसल्स को क्या करेंगे, डायलेट करेंगे, ओके। कौन कौन से ड्रग्स आते हैं इसके अंदर, हाइड्रोलाजिन, मिनोक्सिडिल, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, आइसोसॉर्बाइड, ग्लिसराइड, ट्राइनाइट्रेट, यानी कि जो नाइट्रेट्स हैं हमारे वो क्या होते हैं वेजो डायलेटर्स, क्लियर। यूजेस क्या क्या होते हैं, इन द हार्ट फेलियर, हाइपर टेंशन, एंजाइना के अंदर वेजोडायलेटर्स यूज किए जाते हैं। सो यहाँ पे एक आप एक डायग्राम देख रहे हो ब्लड वेसल का, ठीक है। ये आपके ब्लड वेसल, और ये क्या है इसका अंदर का ल्यूमेन, ल्यूमेन जिसके अंदर क्या कर रहा है ब्लड फ्लो कर रहा है, ये ब्लड है। अब यहाँ पे आप इसको देख रहे हो, ये ल्यूमेन क्या है, नैरो नैरो छोटा है ना, और यहाँ पे क्या हो गया ये वाइड हो गया। तो ब्लड जो पहले ज्यादा प्रेशर लग रहा था, एक कम एरिया से फ्लो करेगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा वॉल्स पे, ठीक है। सो ये क्या हो गया, डायलेट कर दिया किसने, वैसोडायलेटर्स ने। तो अब जो प्रेशर लग रहा है वो क्या लग रहा है, कम वॉल्स के ऊपर, क्लियर। सो इसकी वजह से वेजोडायलेटर्स क्या करते हैं आपके, बेसिकली जो प्री लोड एंड आफ्टर लोड है उसको कम करते हैं। मैकेनिज्म फैक्शन देख लेते हैं कैसे हमारे वेजोडायलेटर्स काम करते हैं। तो इसके अंदर जो हाइड्रोलाजिन है, हाइड्रोलाजिन क्या है, बेसिकली एट्रियोल डायलेटर, यानी कि आर्टरीज को डायलेट करेगा। और वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पंप होता है, आर्टरीज में। तो इसका मतलब ये क्या कम करता है, बेसिकली आफ्टर लोड को कम करता है। हाइड्रोलाजिन जो है रिड्यूसेस आफ्टर लोड, क्लियर। मैकेनिज्म फैक्शन क्या होता है कि ये जो कैल्शियम का ट्रांसपोर्ट है ना वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में, उसके साथ इंटरफेयर करता है। कैसे इंटरफेयर करता है, प्रिवेंट इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम इनसाइड द सेल, देयर फॉर रिलैक्सिंग द वेस्कुलर स्मूथ मसल्स एंड लोअरिंग द ब्लड प्रेशर। यानी कि ये क्या करता है कि जो हमारी वेस्कुलर स्मूथ मसल्स है उनका रिलैक्सेशन कॉज करता है एंड प्रेशर को कम करता है, ब्लड प्रेशर को डिक्रीजिंग द आफ्टर लोड। नेक्स्ट जो है मेन आपका, दैट इज ये आपकी ब्लड वेसल है जिसके अंदर ब्लड फ्लो दिखा रखा है। ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेट्स, ठीक है। नाइट्रेट्स क्या होते हैं, बेसिकली दे डिक्रीज द आफ्टर लोड ऑल्सो एंड प्री लोड ऑल्सो। सो इनका मैकेनिज्म हम एक बार देख लेते हैं। जब भी आप नाइट्रेट्स लेते हो तो ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जाके क्या होंगे, मेटाबोलाइज, ठीक है। इनका क्या होगा, मेटाबोलिज्म होगा। मेटाबोलिज्म होने के बाद इनमें से क्या रिलीज होता है, एनओ रिलीज होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये जो गैस रिलीज होती है ये क्या करती है, एंडोथेलियल डिराइव रिलीजिंग फैक्टर को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है, रिलैक्सिंग फैक्टर को, ठीक है। इसको स्टिमुलेट करेगी जिसकी वजह से क्या होगा, स्टिमुलेशन ऑफ ग्वानाइल साइक्लेज। ग्वानाइल साइक्लेज स्टिमुलेट होगा और ग्वानाइल साइक्लेज क्या करेगा, इट प्रोड्यूसेस साइक्लिक जीएमपी। किससे प्रोड्यूस होते हैं साइक्लिक जीएमपी, जीटीसी, जीटीपी से। सो जीटीपी से क्या प्रोड्यूस करेगा, साइक्लिक जीएमपी। और साइक्लिक जीएमपी जो है वो क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा एंड इट विल लीड टू रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स, क्लियर। क्या करेगा ये, रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल कॉज करेगा हमारा साइक्लिक जीएमपी। सो सेम चीज यहाँ पे मैंने आपको मेंशन की हुई है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, क्लियर। दिस इज हाउ द नाइट्रेट्स वर्क एंड कॉज द रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल। मतलब जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है, रिलैक्स का मतलब वो क्या हो गया कि वो डायलेट हो गए, रिलैक्स हो गए, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। सो जो आफ्टर लोड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्लियर। आप देखिए यहाँ पे क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एस इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स एंड एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट रेनिन इनहिबिटर्स। सो ये सब एक साथ क्यों दिए हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन।
ये हम पढ़ेंगे बाय पर्टिकुलर सिस्टम नोन एज रास, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसके अंदर क्या होंगे, सभी कवर हो जाएंगे, एस इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट एंड रेनिन इनहिबिटर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर? सो नेक्स्ट टॉपिक इज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। ओके, सो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को हम डिस्कस करने से पहले हम ब्रीफ में एक बार देख लेते हैं कि व्हाट इज बेसिकली हाइपरटेंशन, क्या होता है। ठीक है, सो हाइपरटेंशन क्या है, देखो आपका एक नॉर्मल बीपी होता है, ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है हमारा, इट इज 120 to 80 mmHg। ओके, वेयर 120 जो हायर वैल्यू है दैट इज फॉर कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर की वैल्यू होती है, जो लोअर वैल्यू होती है वो डायस्टॉल की होती है, ठीक है, फॉर रिलैक्सेशन। तो अगर इस नॉर्मल स्टैंडर्ड वैल्यू से, आइडियल वैल्यू जो है ब्लड प्रेशर की, अगर उससे हमारा ब्लड प्रेशर एक्सीड हो जाता है, कितना एक्सीड, 140 to 90 या फिर इससे और ज्यादा बढ़ जाए ऊपर, तो वो क्या होगा, हाइपरटेंशन। क्लियर? सो इसी प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए, इसी हाइपरटेंशन को, बढ़े हुए प्रेशर को लो करना हमारा क्या होता है, मेन गोल होता है, और इसी के लिए हम क्या देते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। ठीक है, वो क्या करेंगे, जो ये हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है उसको क्या करेंगे, लोअर। सो दीज आर द ड्रग्स यूज टू लोअर द ब्लड प्रेशर इन हाइपर टेंशन। इट इज नॉट अ डिजीज इन इटसेल्फ, बट इट इज एन इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवैस्कुलर मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। क्लियर? तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन फॉर द हाइपर टेंशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस एंटी हाइपर टेंसिव ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीट द हाइपर टेंशन। सो देखिए यहाँ पे है क्लासिफिकेशन। फर्स्ट कैटेगरी है, इट इज डायोरेटिक्स। डायोरेटिक्स जो हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सो डायोरेटिक्स यूज किए जाते हैं फॉर द हाइपरटेंशन। देन रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर्स, इसके अंदर हमारी कौन कौन सी कैटेगरी आती है, रेनिन के अंदर, रेनिन सिस्टम के अंदर रेनिन इनहिबिटर्स आते हैं, रेनिन इनहिबिटर्स, देन एस इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स एंड एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। ओके, ये सारे आते हैं हमारे किसके अंदर, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर्स के अंदर। सो सेकंड कैटेगरी ये हो गई। नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है, सिंपैथोमिमेटिक इनहिबिटर्स। सिंपैथोमिमेटिक इनहिबिटर्स मींस जिसके अंदर के बीटा ब्लॉकर्स और अल्फा ब्लॉकर्स जो होंगे वो सभी किसमें आएंगे, अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स आएंगे हमारे किसमें, सिंपैथोमिमेटिक ब्लॉकर्स में। नेक्स्ट कैटेगरी है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में हमारे सारे एल टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो हैं वो सभी आएंगे, जो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। देन वेजोडाइलेटर्स, वेजोडाइलेटर्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं, मीन जो आपकी वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स, उनके डायमीटर को, ब्लड वेसल्स के डायमीटर को क्या करेंगे, डायलेट। क्लियर? नेक्स्ट है आपकी कैटेगरी सेंट्रली एक्टिंग एडिनर्जिक ड्रग। सेंट्रली एक्टिंग एडिनर्जिक ड्रग मीन्स ये एगोनिस्ट है, इसके अंदर आते हैं आपके बेसिकली जो अल्फा टू रिसेप्टर होता है उसके एगोनिस्ट आते हैं इसके अंदर, अल्फा टू रिसेप्टर एगोनिस्ट। ये क्या करता है, आपकी हाई ब्लड प्रेशर को लो करता है, जो ड्रग इस पे एक्ट करते हैं उसके एगोनिस्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी है आपका एडिनर्जिक न्यूरोन ब्लॉकर्स। एडिनर्जिक न्यूरोन ब्लॉकर्स में कौन से आते हैं, देखिए जो हमारी नर्व एंडिंग्स होती हैं उनके अंदर स्टोर होते हैं वेसिकल्स के अंदर हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स, एडिनर्जिक हो जैसे डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये सभी। तो ये जो ड्रग आएंगे इस कैटेगरी में, इस कैटेगरी में हम आगे पढ़ेंगे रेजरपिन, रेजरपिन एंड ग्वानेथिडिन ड्रग आते हैं, जो कि क्या करते हैं उसको हमारा डिप्लीट करते हैं जो हमारे एडिनर्जिक हॉर्मोन्स हैं, ठीक है, एडिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो बेसिकली। क्लियर? सो वन बाय वन हम ईच कैटेगरी को थोड़ा पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है डायरेटिक। डायरेटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखो हम कर चुके हैं, आप ऑलरेडी देख सकते हो किसके अंदर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर एक्सप्लेन कर चुके हैं मैकेनिज्म। इसमें हम उसके यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट जो है वो पढ़ेंगे। सो बेसिकली इसके अंदर हमारे ये सभी ड्रग आते हैं, हाइसिलिंग, थायजाइड्स एंड पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स। क्लियर? नेक्स्ट है आपका यूजेस। यूजेस के अंदर क्या आता है, यूजेस में आ जाता है आपका एडेमा के अंदर यूज किए जाते हैं, हाइपरटेंशन में यूज होते हैं, हाइपर कैल्सीमिया मीन्स अगर किसी में कैल्शियम ज्यादा है तो डायरेटिक्स दिए जाते हैं, क्योंकि डायरेटिक्स क्या करते हैं, कैल्शियम का एक्सक्रीशन कराते हैं, ठीक है, दे कॉज हाइपोटेंशन। अब देखो यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है कि जो लूप डायरेटिक्स हैं वो हाइपोकैल्सीमिया कराते हैं, ये क्या कराते हैं, हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है, कैल्शियम कम कराते हैं, जबकि थायराइड का थोड़ा उल्टा इफेक्ट होता है, ये हाइपर कैल्सीमिया कराते हैं, इस केस में दोनों का थोड़ा अपोजिट इफेक्ट है। नेक्स्ट इन द किडनी स्टोन्स में दिए जाते हैं। देन पॉइजनिंग, अगर किसी की किसी भी चीज की पॉइजनिंग हो गई तो बाय फोर्स डायरेसिस उस पॉइजनिंग को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट दे आर यूज इन डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। सो ये हमारे हैं किसके एग्जाम्पल्स, किसके यूजेज हैं, डायरेटिक्स के। नेक्स्ट है इसके एडवर्स इफेक्ट्स। एडवर्स इफेक्ट्स में क्या क्या आ जाएगा, दे कॉजेज हाइपोकैलीमिया मीन्स हाइपोकैलीमिया इनका एडवर्स इफेक्ट है, किसका बेसिकली, हाई सीलिंग का एंड थायराइड्स का, पोटेशियम स्पेरिंग का नहीं होगा क्योंकि इसका तो नाम ही पोटेशियम स्पेरिंग, यानी कि पोटेशियम को लॉस नहीं होने देता।
ठीक है। नेक्स्ट इज ऑटोटॉक्सिसिटी, मीन्स हियरिंग लॉस होता है किससे, लूप डायरेटिक से। एलर्जिक रिएक्शंस होती है, हाइपर यूरिसीमिया यानी कि यूरिक एसिड का कंटेंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है आपके यूरिन के अंदर। नेक्स्ट इज डिक्रीज मैग्नीशियम लेवल, मैग्नीशियम लेवल जो है बोथ हाई सीलिंग एज वेल एज थायसाइड्स क्या करते हैं, मैग्नीशियम को कम करते हैं। एंड नेक्स्ट इज गायनोकामोस्टिया विच इज रिलेटेड विद पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के अंदर देखिए हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका भी पढ़ चुके हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर, मल्टीपल यूजेज हैं इसके। ठीक है, क्या क्या यूजेस हैं, दे आर द स्मूथ स्मूथ मसल्स को क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। नेक्स्ट इज नेगेटिव आइनोट्रोपिक एजेंट, नेगेटिव आइनोट्रोपिक का मतलब क्या है कि जो कॉन्ट्रेक्शन होती है हार्ट की, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक होते हैं जो कॉन्ट्रेक्शन बढ़ाते हैं, ठीक है, नेगेटिव मीन जो कॉन्ट्रेक्शन कम करते हैं। सो ये जो हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी है उसको क्या करते हैं, कम करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो इनका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर, हाइपरटेंशन के अंदर, अरिदमिया के अंदर, एंजाइना एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। सो हाँ, जितने भी हमने कैटेगरीज अभी पढ़ेंगे आगे भी और जो पढ़ चुके हैं उसमें सभी में आप देख रहे हो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज होते हैं। ठीक है, ये हैं इसके एग्जाम्पल्स, वेरापामिल, डिल्टियाजम, निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, लेसिडिपिन, निकारडिपिन एक्सेट्रा। ठीक है, सो ये सभी ड्रग्स आते हैं हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के अंदर। ये हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स में क्या क्या आता है, हेडेक, फ्लशिंग, डिजीनेस, नोजिया, स्वेलिंग एंड कॉन्स्टिपेशन, दीज आर द साइड इफेक्ट्स एसोसिएटेड विद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। नेक्स्ट है हमारा एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर यानी कि जो हमारे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर थे ना एआरबीज, तो बेसिकली कौन से रिसेप्टर को ब्लॉक करते हो, एंजियोटेंसिन वन ब्लॉकर को। तो इसके अंदर कौन से आएंगे, जितने भी सार्टन सफिक्स यूज होगा जिनके भी पीछे, वो सभी इसके अंदर आ जाएंगे। तो देखिए लॉसार्टन, कैंडिसार्टन, वलसार्टन, टेलमिसार्टन, इरबिसार्टन, ऑलनरसार्टन। ठीक है, तो इसमें कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप एक सफिक्स आपको पता है कि सार्टन किसके अंदर आता है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स के अंदर। ठीक है, ये सभी ड्रग्स यूज किए जाते हैं किसमें, हाइपरटेंशन एंड ऑल्सो इन द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। नेक्स्ट है आपका एस इनहिबिटर्स। एस इनहिबिटर जो है, एस इनहिबिटर्स में क्या क्या आते हैं, जितने भी ड्रग्स के पीछे क्या लगता है, प्रिल। ठीक है, तो प्रिल में इसमें आ जाएगा कैप्टोप्रिल, एनालप्रिल, लिसिनोप्रिल। ठीक है, ये सभी आप देख सकते हो, सभी किसमें आते हैं, एस इनहिबिटर्स के अंदर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम इनका ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, आप पूरा कंप्लीट रास सिस्टम एक्सप्लेन किया हुआ है तो आप वो देख सकते हो। ठीक है, यूजेस क्या क्या होंगे इनके, यूजेस में आएंगे हाइपरटेंशन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, प्रोफाइल एक्सेस एंड हाई कार्डियोवैस्कुलर रिस्क सब्जेक्ट, ये इनके क्या है कुछ यूजेस दिए हुए हैं। एडवर्स इफेक्ट्स में क्या आ जाएगा, हाइपोटेंशन। देखिए आप ये क्या कर रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर को कम कर रहे हैं, तो अगर इनका और कंटिन्यूस या लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ यूज हुआ तो दे कैन ऑल्सो लीड टू हाइपोटेंशन। ठीक है, हाइपोटेंशन कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये क्या कॉज कराते हैं, दे कॉजेस हाइपरकैलेमिया। ठीक है, पोटेशियम लेवल को बढ़ा देते हैं। ठीक है, ड्यू टू दिन देयर इज इंक्रीज इन द पोटेशियम लेवल। नेक्स्ट, ये प्रीडोमिनेंट इसका मतलब काफी प्रोमिनेंट इसका एक एडवर्स इफेक्ट है क्या, कफ। ये काफी बार जीपैट में भी पूछा गया था क्वेश्चन कि भाई विच कफ इज कॉज्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग्स, सो दिस इज कॉज्ड बाय एस इनहिबिटर। नेक्स्ट इज रैशेज, आर्टिकेरिया, हेडेक, डिजीनेस एंड नोजिया। सो यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट दोनों के ही क्या है, सिमिलर है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स एंड एस इनहिबिटर्स के। क्लियर। नेक्स्ट देखिए वेजोडाइलेटर्स। वेजोडाइलेटर्स मीन्स वो ड्रग जो क्या करते हैं, आपकी वेसल्स के डायमीटर को बढ़ाते हैं जिससे कि ब्लड का जो फ्लो है, जो ब्लड का प्रेशर लग रहा है फ्लो करने के लिए, वो कम हो जाए। ठीक है, सो ये बीपी भी कम करते हैं आपका और ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर भी यूजफुल होते हैं। अब यूजेस क्या है इसके, एंटी हाइपरटेंसिव ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी वेजोडाइलेटर्स देना सेफ होता है, मैनेजमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड ऑल्सो दे आर यूज इन एलोपीसी। एलोपीसिया मीन्स हेयर लॉस जब होता है, जिन लोगों में हेयर लॉस होता है उन केसेस में भी हम वेजोडाइलेटर दे सकते हैं। कौन सा वेजोडाइलेटर यूज होता है, मिनोक्सिडिल। ठीक है, कौन सा वेजोडाइलेटर यूज होता है, मिनोक्सिडिल इज यूज फॉर द एलोपीसिया। नेक्स्ट है इनके एडवर्स इफेक्ट्स क्या क्या होंगे, फेशियल फ्लशिंग, हेडेक, डिजीनेस, फ्लूइड रिटेंशन, एडेमा एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, वेजोडाइलेटर्स में आपको पता है ये कौन कौन से ड्रग आते हैं, हाइड्रालाजिन। ठीक है, एंड सभी जो नाइट्रेट्स हैं वो सभी किसके अंदर आते हैं हमारे इसके अंदर, वेजोडाइलेटर्स के अंदर, एंड सोडियम, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। क्लियर, ये सभी किसमें आते हैं, वेजोडाइलेटर्स के अंदर, एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज ऑलरेडी ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, सो यू कैन चेक इट आउट। नेक्स्ट इज सिंपैथोमाइमेटिक इनहिबिटर्स। सिंपैथोमाइमेटिक इनहिबिटर्स में कौन कौन से आएंगे, हमारे अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स।
अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स। सो मैंने आपको बताया था कि हार्ट पे कौन सा हमारा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। देखिए रिसेप्टर तो कहीं ना कहीं सारे लोकेटेड होते हैं। अल्फा दो तरह के होते हैं, अल्फा वन एंड अल्फा टू। बीटा भी दो तरह के होता है, बीटा वन एंड बीटा टू। जो बीटा वन होता है दैट इज प्रेजेंट ऑन हार्ट एंड बीटा टू इज बेसिकली प्रेजेंट ऑन ब्लड वेसल्स। ठीक है, सिमिलरली ये क्या है हमारा, ये अल्फा वन एंड अल्फा टू ऑल्सो। ठीक है, अल्फा टू जो होता है वो भी हमारा उसके अंदर प्रेजेंट होता है ब्लड वेसल्स और हार्ट पे, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं अलग अलग लोकेशन पे, अल्फा वन अल्फा टू। सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनके एगोनिस्ट सॉरी एंटागोनिस्ट बिकॉज दे आर इनहिबिटर्स। सो अल्फा ब्लॉकर्स में आएगा डॉक्साजोसिन, प्राजोसिन, फेनोक्सीबेंजामिन एंड फेंटोल अमीन। ये सभी क्या है हमारे अल्फा ब्लॉकर्स विच आर यूज इन हाइपर टेंशन। नेक्स्ट इज बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स में हमें ड्रग्स की जरूरत नहीं, जितने भी लॉल्स पीछे आएगा सफिक्स में वो सभी क्या है बीटा ब्लॉकर्स। और स्पेसिफिक बीटा ब्लॉकर वो हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, स्पेसिफिक है, नॉन स्पेसिफिक, नॉन सिलेक्टिव। ये है आपका मिक्स्ड। मिक्स्ड यानी कि ऐसे ड्रग जो अल्फा और बीटा दोनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे। तो ये कौन से आते हैं, कार्वेडिलॉल, लैबेटिलॉल एंड ब्यूसिंडोलॉल। ठीक है, ये तीन ड्रग्स हैं जो इसके अंदर आते हैं मिक्स्ड ब्लॉकर्स के अंदर। क्लियर। अब बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो देखिए एक बार सेंट्रल एक्टिंग से पहले मैं आपको मैकेनिज्म बता देती हूँ बीटा ब्लॉकर्स का, जो कि हमने वहां पे पीछे भी इतने ढंग से ये शायद डिस्क्राइब नहीं किया था कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। तो आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक बार देख लीजिए। होता क्या है कि जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, बीटा रिसेप्टर कौन सा होता है, इट इज जी कपल्ड प्रोटीन रिसेप्टर, जी कपल्ड प्रोटीन रिसेप्टर। क्लियर। सो जैसे ही बीटा एगोनिस्ट अब बाइंड करता है बीटा रिसेप्टर से, सो क्या होता है, देयर इज एक्टिवेशन ऑफ ग्वानाइल, किसका, एडिनाइल साइक्लेज। एडिनाइल साइक्लेज जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, एडिनाइल साइक्लेज के एक्टिवेशन की वजह से क्या होता है, इट लीड्स टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ साइक्लिक एएमपी। एएमपी कहां से बनता है, एटीपी से। ठीक है, सो एडिनाइल साइक्लेज क्या करता है, एएमपी बढ़ाता है। एएमपी क्या करता है, एएमपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये एएमपी, इंक्रीज इन हार्ट रेट, इंक्रीज इन हार्ट रेट। नेक्स्ट इज इंक्रीज कॉन्ट्रेक्टिलिटी, इंक्रीज कंडक्शन। ठीक है, सो ये सभी चीजें क्या हो जाती हैं, इंक्रीज करता है कौन, बीटा रिसेप्टर के थ्रू, यानी कि बीटा एगोनिस्ट। तो ये सभी हमें कम करना है। देखो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हमें कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम करनी थी, इसलिए हमने बीटा ब्लॉक कर दिए, है ना, हार्ट रेट कम करना था। यहाँ पे क्या है, हमें बीपी बीपी ब्लड प्रेशर कम करना है, सो अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी हमें कम करनी होगी हार्ट की। सो इसलिए कौन से दिए गए हैं, बीटा ब्लॉकर्स। क्लियर। सेंट्रली एक्टिंग एड्रिनर्जिक ड्रग्स में कौन कौन से आएंगे, इसमें है हमारे अल्फा टू एगोनिस्ट, क्योंकि अल्फा टू जो हमारा रिसेप्टर है उसका काम क्या है, इट डिक्रीजेस द ब्लड प्रेशर, कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है स्मूथ मसल्स की वो क्या करता है, कम करता है। ठीक है, सो इसके अंदर हमारे दो ड्रग्स आते हैं, क्लोनिडिन एंड मिथाइल डोपा। ठीक है, टू ड्रग्स आर देयर इन द सेंट्रली एक्टिंग अल्फा टू एगोनिस्ट विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर टेंशन। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है एडिनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर्स। एडिनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर्स में मैंने बताया था आपको दो ड्रग्स आएंगे, कौन कौन से, ग्वानेथिडिन एंड रेजरपिन। सो इंडिविजुअली हम वन बाय वन पढ़ लेते हैं। ग्वानेथिडिन क्या है, देखिए सपोज मैं यहाँ पे एक बार आपको डायग्राम की हेल्प से ही बता देती हूँ। सपोज ये क्या है आपका, ये है ना न्यूरोन है आपका, तो न्यूरोन के नर्व एंडिंग है। नर्व एंडिंग के अंदर आपका क्या प्रेजेंट होता है, वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ये वेसिकल्स। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे एक ही वेसिकल ही बना के दिखाती हूँ। सपोज ये वेसिकल है, अब इन वेसिकल्स के अंदर क्या स्टोर होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर स्टोर होते हैं। सपोज ये रहे न्यूरो ट्रांसमीटर। अब जो ये हमारे ड्रग्स हैं ग्वानेथिडिन, अब ये एक सेकेंड, ये देखो ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर है यहाँ से रिलीज होगा, रिलीज होने के बाद कहाँ पे बाइंड करेगा, हमारे जो नेक्स्ट न्यूरोन है, ये रहा नेक्स्ट न्यूरोन, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, रिसेप्टर्स पे बाइंड करके एक्शन शो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये बीच में क्या है, सिनेप्स। सो अब ये इस एक सेकेंड रुकिए, तो ग्वानेथिडिन का एक्शन क्या है, ब्लॉक्स द रिलीज एंड री अपटेक ऑफ नॉरएड्रेनालिन। सो देखिए रिलीज एंड री अपटेक, अब यहां पे क्या होता है, इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म दो एंजाइम के थ्रू होता है, मोनोमीन ऑक्सीडेज, ठीक है, माओ एंड कॉम्प्ट, कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज के थ्रू ये मेटाबोलाइज हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो नॉरएड्रेनालिन है उसको वेसिकल से रिलीज नहीं होने देते, रिलीज नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रेक्शन प्रोड्यूस नहीं करेगा, मतलब सिंपैथोमिमेटिक एक्शन देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, और रीअपटेक इनहिबिट करेगा तो मतलब ज्यादा से ज्यादा जो हमारा फ्री अमाउंट में जो हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर है वो क्या हो जाएगा, मेटाबोलाइज हो जाएगा बाय कॉम्प्ट और मोनोमीन ऑक्सीडेज, और एक्शन के लिए बहुत कम बचेगा।
ठीक है, तो ये क्या है आपका एक्शन है ग्वानथ्रीन का, कि ये क्या करते हैं रिलीज को इनहिबिट करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के फ्रॉम द वेसिकल्स। नेक्स्ट है आपका रेजरपिन। रेजरपिन क्या है, इट इज एन एल्कलॉयड विच इज डिराइव फ्रॉम द रूट्स ऑफ द रुवोल्फिया सर्पेंटिना। अब ये क्या होता है, ये काम क्या करता है कि यहाँ पे देखो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं हर जगह, यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टर जिसके थ्रू ये अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। सो रेजरपिन एक्ट एज द मेम्ब्रेन ऑफ इंटरन्यूरॉन वेसिकल्स विच स्टोर, जहाँ पे ये स्टोर होते हैं ना, ये सभी स्टोर हैं, एक तो स्टोर नहीं होता, नॉरएपिनेफ्रिन भी, डोपामिन भी, सेरोटोनिन भी, सभी स्टोर होते हैं। तो ये ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर देता है रेजरपिन। कौन सा ट्रांसपोर्टर, वी मैट टू। वी मैट मीन्स वेसिक्यूलर मोनोअमीन ट्रांसपोर्टर, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, ये क्या होते हैं जो वेसिकल, जो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होता है, इसका स्टोरेज ही खत्म कर देगा। ये देखो इसके अंदर वेसिकल्स के अंदर स्टोर होते हैं, सपोज ये बना हुआ है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर बन गया, ठीक है, टायरोसिन। टायरोसिन से क्या बनता है, डोपा। डोपा से क्या बनता है हमारा, डोपामिन। डोपामिन से नॉर एपिनेफ्रिन बन गया। अब ये बनने के बाद कहाँ जाएगा, वेसिकल्स में स्टोर होगा ना, किसके थ्रू स्टोर होगा, ये ट्रांसपोर्टर के थ्रू जाएगा। तो ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टर को ही क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। तो ना तो ये बाहर आ पाएगा, अंदर जा पाएगा, और जो फ्री अमाउंट है वो मेटाबोलाइज हो जाएगा कॉम्बटेंट माओ एंजाइम से। तो इसीलिए जो उनका स्टोर्स हैं उसको क्या कर देते हैं, डिप्लीट कर देते हैं, ठीक है। हायर डोजेस डिप्लीट कैटेकोलामीन 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामीन इन द ब्रेन एज वेल एज एंड कॉज सेडेशन एंड मेंटल डिप्रेशन, ठीक है। ये है हमारे एड्रेनर्जिक न्यूरोन ब्लॉकर्स विच आर यूज टू ट्रीट द हाइपरटेंशन। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका, हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, क्लियर, कि प्रेगनेंसी के अंदर अगर हाइपरटेंशन, कोई वूमेन है जो प्रेग्नेंट है, अगर उसको हाइपरटेंशन है तो मतलब व्हाट आर द ड्रग्स टू बी गिवन टू दैट पर्सन, ठीक है। तो इसमें एक बार देखिए इंट्रोडक्शन इसका देखते हैं, कि सिंपल वही कि अगर हमारा क्या है नॉर्मल बीपी से अगर बीपी बढ़ा हुआ हो, कितना 140-90 या उससे बढ़ा हुआ बीपी हो, देन इट द कंडीशन इज हाइपरटेंशन। दो तरह का हो सकता है, हो सकता है प्रेगनेंसी से पहले उसको हो ऑलरेडी हाइपरटेंशन, दैट इज वुमेन विद प्री एग्जिस्टिंग। नेक्स्ट इज ऐसा केस हो कि प्रेगनेंसी के बाद उसको हाइपरटेंशन हुआ हो, दैट इज अराउंड 20 वीक्स आफ्टर जेस्टेशन, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्री एक्लैम्शिया, ठीक है। सो अब कौन सी वुमेन्स को ज्यादा चांसेस होते हैं ये हाइपरटेंशन होने के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, विद डायबिटीज, जिनको डायबिटीज हो, क्रॉनिक किडनी डिजीज हो, क्रॉनिक हाइपरटेंशन हो, ठीक है, ये सारी डिजीज जो उनको ज्यादा रिस्क होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अब इसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो कौन कौन से होंगे, ड्रग्स टू बी अवॉइडेड, ठीक है, ये तो अवॉइडेड है जो नहीं देने चाहिए, ये है ड्रग्स टू बी यूज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। सो हम टोटल ड्रग्स देख चुके हैं पीछे कि कौन कौन से ड्रग्स हैं सभी जो हाइपरटेंशन में यूज किए जाते हैं, तो हम देखते हैं कौन कौन से प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं यूज किए जाएंगे, ठीक है, शुड बी अवॉइडेड। सो एस इनहिबिटर जो है, मतलब जिनके पीछे क्या लगता है, प्रिल, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, ये सभी जो है ये दे शुड बी अवॉइडेड। नेक्स्ट इज एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, यानी कि जिनके पीछे क्या लगता है, सार्टन्स, लोजार्डन, वल्सार्डन, ये सभी जो है ये भी अवॉइड करने होंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट इज डायरेटिक्स, ठीक है, क्यों अवॉइड करने होते हैं ये, बिकॉज अगर ये इंटेक कर लिए तो चांसेस है कि जो फीटल एबनॉर्मेलिटी प्रोड्यूस होने की, ठीक है, दे कैन कॉज माल फॉर्मेशन इन द फीटस, डेवलपिंग फीटस। नेक्स्ट इज नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में कौन कौन से, लेबेटालॉल, कार्बेटालॉल, ये सभी जो ड्रग थे दे शुड बी नॉट बी गिवन, दे शुड बी अवॉइडेड। नेक्स्ट है एंटी हाइपरटेंसिव टू बी यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कौन कौन से एंटी हाइपरटेंसिव है जो प्रेगनेंसी में देने होते हैं, बेसिकली लेबेटालॉल, ठीक है, लेबेटालॉल, निफेडिपिन, मिथाइल डोपा एंड हाइड्रोलाजिन, ठीक है। हाइड्रोलाजिन कौन सा है हमारा, वेजोडाइलेटर, ये सेंट्रली सिंपेथम एक्टिंग ड्रग। निफेडिपिन इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, दिस इज सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। सो ये सभी है हमारे जो वी कैन प्रिस्क्राइब, दीज आर द ड्रग्स विच कैन बी प्रिस्क्राइब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर द हाइपर टेंशन, क्लियर। सो नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा एंटी अरिथमिया, ठीक है, एंटी सॉरी एंटी एंजाइनल, ओके, एंटी एंजाइनल ड्रग्स। सो देखिए यहाँ पे एंटी एंजाइनल ड्रग्स क्या होते हैं, जो एंजाइना को ट्रीट करने के लिए देंगे। अब एंजाइना क्या होता है, एंजाइना क्या होता है, एंजाइना इज बेसिकली अ चेस्ट पेन, ठीक है, सीवियर चेस्ट पेन होता है। कब होता है ये, जब देखिए जो हार्ट की मसल्स होती हैं उनको इनसफिशियंट ऑक्सीजन सप्लाई हो, ठीक है, हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो क्या हो, पूरी नहीं आ रही है उसके पास, ठीक है, जितनी डिमांड है उतनी ऑक्सीजन नहीं जा रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, देयर इज अ सीवियर चेस्ट पेन, अटैक ऑफ चेस्ट पेन इन द हार्ट, ठीक है, चेस्ट पेन होगी ड्यू टू द
अब ये होता किस लिए? क्योंकि देखो जो हमारी वेसल्स हैं, जो आर्टरीज हैं, जो ब्लड सप्लाई कर रही हैं हार्ट को, उनमें किसी ना किसी तरह का कुछ वेजोस्पाज़म हो या कुछ तरह का ब्लॉकेज हो अगर, तो उसकी वजह से क्या होगा, इनसफिशियंट ऑक्सीजन जा पाएगा किसके पास, हार्ट के पास, और इनसफिशियंट ऑक्सीजन ऑक्सीजन सॉरी ब्लड ब्लड ही तो कैरी करता है ऑक्सीजन को, सो इनसफिशियंट ऑक्सीजन जाएगी, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, देयर इज द कंडीशन कॉल्ड एंजाइना। ठीक है, तो उसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग्स। दीज आर द ड्रग्स दैट प्रिवेंट अबॉर्ट और टर्मिनेट द अटैक्स ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, एक पेन सिंड्रोम है ड्यू टू द इंडिकेशन ऑफ एडवर्स ऑक्सीजन सप्लाई वर्सेस डिमांड सिचुएशन इन अ पोर्शन ऑफ मायोकार्डिया। समझ आ गया? अब देखिए तीन प्रिंसिपल हैं विच आर टू बी रिकॉग्नाइज, तीन तरह के हमारे एंजाइना है स्टेबल, जिसको क्लासिकल एंजाइना भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो एंजाइना है इट इज प्रिडिक्टेबल। ठीक है, इसको ये क्या होता है, बेसिकली प्रिडिक्टेबल होता है कैसे, क्योंकि ये किस पर डिपेंड करता है, एक्सरसाइज। सपोज किसी ने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, तो उसकी वजह से भी हार्ट मसल्स पे क्या प्रेशर पड़ता है ना, तो इनसफिशियंट ब्लड फ्लो, इनसफिशियंट ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है जितनी चाहिए, क्योंकि जब एक्सरसाइज करते हैं तो यू रिक्वायर मोर ऑक्सीजन। ठीक है, बट जा क्या रही है, कम जा रही है, तो उसकी वजह से भी यू देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड चेस्ट पेन। नेक्स्ट इज काइंड ऑफ इमोशन। ठीक है, ईटिंग ईटिंग पैटर्न अगर इनसफिशियंट नहीं है, हाई कोलेस्ट्रॉल इनटेक है, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, देयर कैन बी आर्थरोस्क्लेरोसिस, मीन्स डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल और डिपोजिशन ऑफ प्लेक इन योर कॉरोनरी आर्टरी। कॉरोनरी आर्टरी कौन सी, वो आर्टरी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, एंजाइना। नेक्स्ट इज वेरियंट प्रिंस मेंटल और वेजोस्पास्टिक एंजाइना विच इज अनकॉमन। ठीक है, यानी कि ये क्या होगी, प्रेडिक्टेबल नहीं होती। अटैक्स जो होते हैं वो कब आते हैं, अकर एट नाइट रेस्ट एंड आर अनप्रेडिक्टेबल, ये प्रेडिक्टेबल नहीं होते। ठीक है, अगेन ये भी किसकी वजह से हो सकते हैं, कि भाई वेजोस्पाज़म हो रखा हो या कोई अर्थरोस्क्लेरोसिस या कोई प्लेक डिपोजिट हो, तो उसकी वजह से। नेक्स्ट इज अनस्टेबल एंजाइना। अब देखो अनप्रेडिक्टेबल क्यों है, क्योंकि आपने कोई एक्सरसाइज या आपने कुछ ऐसा काम नहीं किया लेकिन फिर भी आपको चेस्ट पेन हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज अनप्रेडिक्टेबल। नेक्स्ट इज अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल में क्या होगा, देखो ये था स्टेबल दोनों, ठीक है, ये है अनस्टेबल। अनस्टेबल मतलब इसके अंदर क्या होगा, जो आपका डिपोजिशन हो रखा है अगर कोई, ये सीवियर है दोनों से। ठीक है, इसका जो ड्यूरेशन है वो भी काफी लंबे समय तक के लिए होता है, सीवियरिटी भी बहुत होती है, मल्टीपल अटैक्स आते हैं। ठीक है, इज मोस्टली ड्यू टू रप्चर ऑफ कोई प्लैक, अगर सपोज बन रहा है आपकी आर्टरी के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। रप्चर होने की वजह से क्या होगा, देयर विल बी द प्लेटिलेट एग्रीगेशन। ठीक है, डिपोजिशन एंड प्रोग्रेसिव ऑक्लूशन ऑफ द कॉरोनरी आर्टरी, मतलब क्या होगी, धीरे धीरे बंद होती जाएगी, ओकेशनली विद द एसोसिएटेड विद कॉरोनरी वेजोस्पाज़म। तो ये है आपका क्या, तीन तरह के एंजाइना है, स्टेबल, ठीक है, देन वेरिएंट एंड देन अनस्टेबल एंजाइना। ठीक है, अब इन्हीं कंडीशन को, जो ये चेस्ट पेन होता है ड्यू टू लेस ऑक्सीजन सप्लाई, इसी को ट्रीट करने के लिए क्या दिए जाते हैं, एंटी एंजाइना ड्रग्स। ठीक है, तो हम देख लेते हैं एक बार कौन कौन से एंटी एंजाइना ड्रग्स। सो फर्स्ट इज नाइट्रेट्स। ठीक है, नाइट्रेट्स का काम क्या होता है, नाइट्रेट्स क्या करते हैं, वेजो डायलेशन कॉज करते हैं, है ना, वेजो डायलेशन हमने पीछे पढ़ रखा है, तो नाइट्रेट्स यूज होंगे एंटी एंजाइना में। कौन कौन से नाइट्रेट, तीन, शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में कौन से आएंगे, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, आइसोसॉर्बाइड, और ये क्या होगा लॉन्ग एक्टिंग में, आइसोसॉर्बाइड, आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट एंड डाइनाइट्रेट। क्लियर, इसके अंदर जो ये आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट है ये क्या दिया जाता है, सब लिंगुअली। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर अभी तक देखो हाइपरटेंशन में भी यूज हो रहे थे, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी यूज हो रहे थे, एंड अब किसमें, एंटी एंजाइना के अंदर, क्योंकि ये क्या करते हैं, मसल्स को क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। ठीक है, सो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में ये सभी ड्रग्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, प्रोपेनॉल, मेटोप्रोलॉल, एटिनोलॉल एंड अदर्स। ठीक है, ये भी क्या करते हैं, आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी, हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी, हार्ट रेट है उसको क्या करेंगे, कम करेंगे। नेक्स्ट इज पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। देखो हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या है, ऑक्सीजन ऑलरेडी कम जा रही है हार्ट के पास, तो अगर उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी तो कंडीशन और सीवियर हो जाएगी ना, तो हमें क्या करना है, उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम करनी है, जिससे कि डिमांड जो है ऑक्सीजन की वो कम हो जाए। हमारा दो ही गोल होता है एंजाइना में, कि या तो हम क्या करें, ऑक्सीजन डिमांड जो है उसको कम करें, रिड्यूस द ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, ऑक्सीजन डिमांड हमें क्या करनी है, कम करनी है, या तो फिर ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ानी है। ठीक है, ये हमारे पर्पज होते हैं। सो ये इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज पोटेशियम चैनल ओपनर। पोटेशियम चैनल ओपनर में क्या आएगा आपका, निकोरेंडिन। ठीक है, सो इनमें से देखो हम ये तीन कैटेगरीज ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं पीछे, नाइट्रेट्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड बीटा ब्लॉकर्स। सो जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, दैट इज पोटेशियम चैनल ओपनर, विच इज अ न्यू कैटेगरी विच इज यूज एज एन एंटी एंजाइनल ड्रग्स। इसको हम थोड़ा पढ़ते हैं, किसको, निकोरेंडिन को। सो निकोरेंडिन जो है आपका, इट रिलैक्सेस द कॉरोनरी वेजोस्पाज़म। ठीक
ठीक है, जो मसल्स है, वेस्कुलर स्मूथ मसल है, उसको क्या करता है, रिलैक्स करता है, क्योंकि पोटेशियम चैनल की वजह से क्या होता है, क्या होता है, हाइपरपोलराइजेशन, ठीक है। तो इस ये क्या करेगा, मसल्स को क्या करेगा, स्मूथ रिलैक्स करता है स्मूथ मसल्स को बाय स्टिमुलेटिंग, कैसे स्टिम करता है, स्टिमुलेटिंग द ग्वानाइल साइक्लेज, ठीक है। अब देखो पीछे हमने दो चीज़ पढ़ी थी, एक चीज़ याद रखना हमेशा, इनमें हमेशा कन्फ्यूजन होती है, एक होता है CGMP, CAMP, ठीक है, एक होता है CGMP। तो CAMP का लेवल अगर बढ़ा हो तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ती है। लेकिन CGMP जो है उसका लेवल अगर बढ़ा है तो क्या होता है, अपोजिट फंक्शन होता है। तो ये दोनों वाइस वर्सा हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए, क्योंकि इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सो ये क्या करता है, रिलैक्सेस द स्मूथ मसल्स बाय स्टिमुलेटिंग ग्वानाइल साइक्लेज को, स्टिमुलेट करेगा ग्वानाइल साइक्लेज, क्या प्रोड्यूस करेगा, साइक्लिक GMP, और साइक्लिक GMP जैसे ही उसका लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ, वो क्या कराएगा, स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन, ठीक है। ये हो गया पहला मैकेनिज्म। दूसरा मैकेनिज्म क्या है, दूसरी तरह से भी ये काम करता है, ये क्या करता है, एक्टिवेशन ऑफ पोटेशियम चैनल, क्योंकि पोटेशियम चैनल नाम ही ओपनर है, तो पोटेशियम चैनल को ओपन करेगा और कॉज करेगा हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है। डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन, हाइपर पोलराइजेशन मतलब रिलैक्सेशन, ओके। सो निकोरेंडल कौन से चैनल्स को ओपन करता है, ATV सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स को, ओके। साइड इफेक्ट्स क्या क्या होंगे इसके, रेड इची वॉटरी आईज, हेड एक, नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, वीकनेस एंड फ्लशिंग, दीज आर द साइड इफेक्ट्स विच आर एसोसिएटेड विद निकोरेंडल विच इज द पोटेशियम चैनल ओपनर, ठीक है। और कौन सा आता है इसके अंदर, एक और ड्रग आता है विच इज मिनोक्सिडिल, बट ये कम दिया जाता है ड्यू टू इट्स साइड इफेक्ट्स की वजह से, इसका यूज कम किया जाता है बेसिकली, सो निकोरेंडिल इज बेसिकली प्रेफर्ड। तो हेयर, अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो गया, ये जो एंटी हाइपरटेंशन, सॉरी एंटी एंजाइनल ड्रग है, वो हमारा क्या हो गया, कवर, ठीक है। एंटी एंजाइनल में हमारे टोटल देयर आर फोर कैटेगरीज ऑफ ड्रग, थ्री हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हेयर हमने क्या डिस्कस कर लिया, पोटेशियम चैनल ओपनर। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट एंटी अरेथमिक ड्रग्स।